दिल्ली में नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी दोनों से ही लंबी पूछताछ हो चुकी है। कल हम सब ने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया था। ईडी की कार्रवाई भी पूरे मामले में जारी है और अब की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये आ रही है कि दिल्ली में नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उनसे और जानकारी हम लेंगे। लेकिन आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर जब बड़े नेताओं से पूछताछ ईडी की टीम ने की थी, उसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा किया गया था। और आज तो अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया तिरंगा यात्रा के मद्देनजर कि कौन देशभक्त है ये सब जानते हैं। देश की आजादी के लिए जो अखबार निकाला गया था उसके खिलाफ क्या घिनौनी साजिश हो रही है ये भी देखो, नेशनल हेराल्ड को लेकर ही उन्होंने अपनी ये बातें कही थी। फिलहाल आपको बताते चले, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई और अब ईडी की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से ट्वीट किया गया है, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है राजधानी दिल्ली में। अब इसको लेकर यकीनन कांग्रेस पार्टी और ज्यादा हमलावर होगी। कांग्रेस मुख्यालय के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से यह दावा किया गया है। आपको बताते चले, इसके पहले ईडी की टीम ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है इस मामले में, जबकि राहुल गांधी से घंटों घंटों की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस दफ्तर के सामने की सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। मनीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, सील कर दिया गया है दफ्तर नेशनल हेराल्ड का, और क्या जानकारी मिल रही है? मनीष के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले में ईडी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जहां दिग्गज नेताओं से लंबी लंबी पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर भी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया था, भारी तादाद में वहां पर नेता पहुंच गए थे, जिसके बाद बीजेपी को निशाने पर लिया गया। अभी कांग्रेस दफ्तर के सामने की सड़क को ब्लॉक किया गया है, हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। इस पर जल्दी से मुझे लगता है कि एक टिप्पणी, अभय दुबे जी, आपकी एक टिप्पणी, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील किया गया है। सरकार विचलित इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट दे चुका है, ईडी स्वयं ने 2015 में और एडिशनल डायरेक्टर ने तो ये तक लिखा रेवेन्यू सेक्रेटरी को कि पीएमएलए का केस नहीं बताया। अभी ये क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा खुलासा मैं करता हूँ। जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में 2016 से सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस एविडेंस पर लगा है, लेकिन हर बार वो एक चिट्ठी देते हैं उस तारीख को आगे बढ़ाने की। 12 बार तिथियां तय की गई, लेकिन 7 बार वो अपियर नहीं हुए। आखिरकार ट्रायल कोर्ट ने कहा, प्रत्यक्ष रूप से मैं बता रहा हूँ कि आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं, इनके पास प्रमाण नहीं है। ठीक है सर। सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट जाते हैं और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करा देते हैं, 1 साल हो गया। तो ये विचलित इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट में भी इनके पास प्रमाण नहीं है, तो ये क्या करें? तो ये इस तरह की घिनौनी। ठीक है, संबित पात्र जी से इसका मैं जवाब लूंगी। मनीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर जो नोटिस चिपकाया गया है वो भी नजर आ रहा है, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। मनीष, और क्या बड़ी जानकारी? जी देखिए, कल ईडी के अधिकारी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में पहुंचे थे वहां पर छापेमारी करने के लिए। इस नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का एक दफ्तर है। जब ईडी के अधिकारियों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस बेयरर्स को बुलाया वहां पर कि हमें यहां पर सर्चेस कंडक्ट करने हैं, तो उनका कोई भी अधिकारी आया नहीं। ईडी अधिकारियों को शक था कि अगर जो ऑफिस है वो खुला रह जाता, दफ्तर खुला रह जाता, तो हो सकता है कि वहां पर पहले से मौजूद सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो सकती थी, और इसी वजह से जो ईडी है उसने एक ऑर्डर निकाला हुआ है। ऑर्डर के तहत नेशनल हेराल्ड में स्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया है। अधिकारियों का ये कहना है कि ये टेम्पररी सील किया गया है इसको, और जब कोई अधिकारी उनकी तरफ से आता है जो कि ईडी अधिकारियों को सर्चेस कराने में मदद कर पाएगा, उसके बाद जो ऑफिस है उसको डीसील कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफिस है नेशनल हेराल्ड में, उसे
सील कर दिया गया है। जयराम रमेश का मैं ट्वीट देख रही हूँ, उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि दिल्ली पुलिस ब्लॉकिंग द रोड ऑफ एआईसीसी, और उन्होंने बकायदा एक वीडियो भी यहाँ पर ट्वीट किया है जिसमें जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की। मुनीश बिल्कुल देखिए, जो पुलिस है लोकल पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े उसकी वजह से पुलिस ने वहां पर बंदोबस्त कर दिया है पहले से ही। उनको उम्मीद थी कि जैसे कल जब ईडी के अधिकारी वहां पर छापेमारी कर रहे थे तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो गए थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो इसके लिए ईडी अधिकारियों ने पहले से ही दिल्ली पुलिस को जानकारी देकर रखी थी कि इस तरह का ऑर्डर हम निकाल रहे हैं और हो सकता है उसके बाद में वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़े। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने वहां पर बैरिकेड लगा दिया है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट वहां पर ना हो पाए। और मुनीश का आखिरी सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी, अगर किसी दफ्तर को सील किया जाता है, वो भी ईडी जो इतने दिनों से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, बड़े नेताओं से पूछताछ ईडी दफ्तर पर, ईडी ने दफ्तर पर जाकर यहां पर नेशनल हेराल्ड के छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अब जब यंग इंडियन दफ्तर को सील किया गया है, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन दफ्तर, इसी को लेकर सोनिया और राहुल गांधी दोनों से पूछताछ की गई है, मुनीश अगर किसी दफ्तर को सील किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? जी देखिए, पूरी तरीके से जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का जो दफ्तर है उसमें फिलहाल के लिए कोई भी वहां पर काम करने वाला कर्मचारी नहीं जा पाएगा। और एक बार फिर से मैं बता दूं, और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर ये कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि जब कल ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं उनको उन्होंने फोन किया और बोला कि हम यहाँ पर सर्चेस करने के लिए आए हैं, आप दफ्तर में आइए, क्योंकि जो कार्रवाई की जाती है उस वक्त कोई ना कोई वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद भी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से कोई भी उनका आधिकारिक ऑफिस पहुंचा नहीं, प्रिंसिपल ऑफिसर पहुंचे नहीं, जिसके बाद में ईडी ने ऑर्डर निकालकर वहां पर सील कर दिया उस दफ्तर को ताकि वहां पर मौजूद जो सबूत है उसके साथ छेड़खानी ना हो पाए। और ईडी का ये कहना है कि सबूत इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कई लोगों से पूछताछ की है।